हर यूपीआई लंबे समय से ग्राहक की इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर आई है कि 7 बैंकों में ये स्टार्ट कर दिया गया है आधार यूपीआई सेवा। अगर आपका इन बैंकों में खाता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। मैं आपको इस वीडियो में गजब की जानकारी देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि जानते हैं आप, आधार यूपीआई सर्विस लॉन्च होने के बाद जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है वो भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में 7 बैंकों में ये शुरू कर दिया गया है सेवा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा बैंक है जिसमें आधार यूपीआई की फैसिलिटी चालू कर दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं 7 बैंकों का नाम जिसमें आधार यूपीआई चालू किया गया है। आप यहां पे पहले नंबर पे सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे है कॉस्मोस बैंक, तीसरे नंबर पे है केरल ग्रामीण बैंक, चौथे नंबर पे है कर्नाटका ग्रामीण बैंक, पांचवे नंबर पे है इंडसइंड बैंक, सिक्स नंबर पे है केनरा बैंक और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। यहाँ पे आपको मालूम हो चुका होगा ये 7 बैंकों में आधार यूपीआई की फैसिलिटी आ चुका है। अगर इन बैंकों में खाता है तो आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन में जाके आधार से जो है आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। आपका किस बैंक का खाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, तो इस सभी बैंकों में ये सुविधा दिया जाएगा। तो NPCI का सूचना है कि सभी बैंकों में 30 जून से पहले आधार यूपीआई की फैसिलिटी आ जाएगा। तो ये 30 जून तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको सभी बैंकों में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि 7 बैंकों में आधार यूपीआई की फैसिलिटी आ चुका है। अगर आप इन बैंकों का खाता धारक है तो आप बेशक आधार यूपीआई का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे हम फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।